हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अविनाश जाधव एंड वेलकम टू माय चैनल तेज पढ़ाई। और आज मैं लेकर आया हूं एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है काइट इन द शेप ऑफ स्क्वायर। एक काइट है जो कि शेप किसकी है, एक स्क्वायर की तरह है, विद डायगोनल 32 और इसके अंदर के डायगोनल कितने के हैं, 32 एंड 32 के, ठीक है। एंड एन आइसोस्केलन ट्राइंगल, नीचे एक आइसोस्केलन ट्राइंगल है और बेस 8 सेंटीमीटर का बेस है एंड साइड 6 सेंटीमीटर ईच, मतलब 6-6 सेंटीमीटर की दो साइड है। क्यों? क्योंकि आइसोस्केलन ट्राइंगल है। इज टू बी मेड ऑफ द 3 शेड, अलग अलग शेड है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड शेड अलग अलग शेड है। हाउ मच पेपर विल बी ईच शेड हैज बीन यूज इन इट, हर एक शेड में कितना पेपर यूज होगा वो हमें निकालना है इसमें से। तो बड़ा ईजिली क्वेश्चन है, बहुत ही आराम से सोल्यूशन करेंगे। देखिए 32 अगर ये पूरा बेस है, ठीक है, पूरे डायगोनल है, तो हमको मालूम है अगर इसका सेंटर O है और ये ए बी सी डी एक स्क्वायर है, तो हम बड़े आराम से इसका आधा कर सकते हैं। और यहाँ पर ये कितने का बना रहा है, 90 डिग्री का, ठीक है। तो अगर ये 32 है तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला 32 16 और 16, ठीक है। लिखते हैं, मैंने लिखा सॉल्यूशन, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ ए और ओ सी के बराबर है, विच इज इक्वल टू 32/2 16 सेंटीमीटर, जो कि पूरे 32 का आधा होगा, तो 16 और 16। अब यहां पर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं, पहले क्यों निकालने के लिए, फर्स्ट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है इसका, 32 और हाइट कितनी है, 16, इसको काट दिया 16 कितना होता है, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस वाले फर्स्ट शेड का कितना आ गया, 256, सेकंड सिमिलरली 256 ही होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे सिमिलरली एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल इज इक्वल टू 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भी 256 होगा। अब नीचे वाले का 256 नहीं होगा, नीचे वाले का क्या है, थर्ड का 6 और 8, तो इसको अलग निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, सेमी पेरीमीटर, बिकॉज हाइट नहीं है इसमें, तो सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए एस इक्व टू 6+6+8/2, यहाँ से 8 और 6 14 14 20 20/2, विच इज इक्व टू 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ से एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ थर्ड ट्राइंगल, ठीक है, विच इज इक्व टू अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो एस हमारा कितना है, 10, यहाँ से आएगा 10-6, ये 0 है, यहाँ पर आएगा 10-6, यहाँ पर आएगा 10-8। अब यहाँ से अंडर रूट 10, तो 10 ही रहना है, 10 में से 6 गए तो कितने बचे, 4, यहाँ से भी 4 और यहाँ से हमको मालूम है कितना आना है, 2, ठीक है। अब यहाँ से जब हम निकालेंगे तो हमारा 4 तो बाहर आ जाएगा और इसमें से 2 भी बाहर आना है, तो 4 2 8 तो होना है, पर अंडर रूट में क्या रह जाएगा, 5 रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 10√5। अब अंडर रूट 5 की वैल्यू लगभग 2 पॉइंट के आसपास होगी, तो अगर मैं 8 या 10 नहीं आएगा, 8 आएगा, तो √5 और 8 की वैल्यू √5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो अंडर रूट का लगभग आएगा 2 पॉइंट कुछ समथिंग इसका आएगा रूट निकल के, और 8 से जब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो लगभग 17 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 17.6 के समथिंग आपका आंसर अप्रॉक्स में आएगा, तो ये अप्रॉक्स आंसर है जो कि 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहां तक भी जो लिखेगा वो भी सही होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, वो भी आंसर आपका सही है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है। आई होप आपको वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कोई भी चीज़ इसमें से ना समझ में आई हो कमेंट करें, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल भी ना जाए। बाय बाय।